हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय डेस्क। आज हमारे ब्रदर इन लॉ ने दुर्गा पूजा के अवसर पर डिसाइड किया कि हमें चिकन रोस्टिंग करके खिलाएंगे और अपनी तैयारी वो शुरू कर चुके हैं। देखते हैं किस तरह से वो तैयारियां करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमने देखा कि वो चिकन की पूरी बॉडी को नाइफ से कट करके कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं और जिंजर भी डाल रहे हैं ताकि इसकी टेस्ट को मेंटेन किया जा सके और बढ़ावा दे सके। और हाँ दोस्तों, अब आई चिल्ली डालने की बारी। चिकन के बॉडी के ऊपर पूरा चिल्ली पाउडर डाला और इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से मिलाया ताकि इसका टेस्ट अंदर तक जा सके। और चिल्ली पाउडर डालने के बाद हमने हल्दी के पाउडर से इसे नहलाया ताकि ये अट्रैक्टिव लगे और टेस्टी लगे। और उसके बाद हमने नींबू के रस इस पे निचोड़ा चारों तरफ और अच्छी तरह से मिलाया ताकि इसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। और चिकन तैयारी होने के बाद हमने अदर इंग्रेडिएंट्स को भी तैयारी करना शुरू कर दी, जैसे कि टमेटोज, ग्रीन चिल्ली एंड आनियन को जलाने के बाद हमने इसे चिकन के स्टोमक के अंदर इंसर्ट कर दिया ताकि ये एक अच्छी एरोमा दे सके खाते वक्त। उसके बाद कहीं अंदर का इंग्रेडिएंट्स गिर ना जाए, हमने धागे से उसे बांध दिया ताकि ये कहीं गिर ना जाए पकाते वक्त, रोस्टिंग करते वक्त। हाँ, अच्छी तरह से धागे से बांधने के बाद अब आई बारी स्टील बेकिंग रोड को डालने के लिए ताकि एवन में ये जा सके और अच्छी तरह से ये रोस्टिंग हो सके। और उसके बाद इसे हम ओवन में डाल देंगे ताकि ये धीरे धीरे रोलिंग होके पक जाए। और ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम धागे को धीरे धीरे हटाएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर सेलिब्रेट करेंगे। और आप लोग भी कीजिए इस तरह के पूजा के अवसर पर, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिलीशियस लंच खाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।